त्याग जी, पूरे समाज के अध्यक्ष भाई फारूक हक जी साहब, हमारे ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी रामनिवास शर्मा जी, हमारे पांडे साहब वाइस चेयरमैन नगर परिषद, मेरे गार्जियन संरक्षक, यहां पर साइड में बैठे हुए तमाम मेरे जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के नेतागण, सामने बैठे हुए आदरणीय ग्राम के वरिष्ठ जन, माताएं बहनें, विद्यालय की प्रिंसिपल मैम, समस्त स्टाफ और मीडिया के मेरे बंधु, अब बच्चों से मैं आग्रह करूंगा कि आपस में बातचीत करना एक बार बंद कर दें। बच्चे जितने भी हैं 10 मिनट तक एक बार आपस में बातचीत करना बंद करें। हो गए भाई, करूं शुरू? मारवाड़ी में, मारवाड़ी। तो पहली बात तो आ है कि थेज को मनाज सम्मान दियो, वो सम्मान मैं नहीं, मेरो परिवार, मेरा मित्रजन सब जीवन भर याद रखांगा। और मैं अभिभूत हूं कि पगड़ी ग्राम पंचायत में मेरो एक बहुत ही ऐतिहासिक स्वागत हुए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूं। और यह पगड़ी की परंपरा है, माता बहना अति संख्या के मायने जब भी प्रोग्राम हुए तो मैं आऊं, इसके लिए मैं थाने माता बहना ने भी बहुत बहुत प्रणाम करूं, नमस्कार करूं, धोप दूं। आज को कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम और कार्यक्रम भी खेल को कार्यक्रम, देखिए मेरे कन सूचना है भी के मुताबिक कितना 500 कितना है भाई, है भाई आई पन्ना गम में बहुत है पहले सरकारी कार्यक्रम है तो सरकारी बात बोलनी पड़ती, फिर दूसरी बात बोलना। तो आज अटे क्रिकेट को भेजू सी ब्लॉक स्तरीय है, देखे मायने 33 पुरुष टीम है, 5 महिला टीम है, कुल 38 टीम है। आज दिसनाऊ में, बिदासर में, भीलसर में, लालासी में, भूमा भड़ा में भी कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन मैं दे छो ब्लॉक में 88 मन जाड़ू पड़े गो कार्यक्रम को, ये आवश्यकता पड़ी कि आपने सरकार ने सोचियो कि बच्चा के लिए खेल बहुत जरूरी है। और खेल में भी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जब पहली क्रिया 12 महीना पहली, तो 30 लाख बच्चा, बुजुर्ग, महिला, माता बहना सारी रजिस्ट्रेशन कराए और पूरे प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल खेला गया, जिससे लोगों में बहुत उत्साह हुए, नया नया खिलाड़ियों ने मौको भी लियो, मनोरंजन भी और शारीरिक एक्सरसाइज भी, और साथ साथ में नया जगह बच्चा है, बच्ची है, वह में कितनी क्षमता है भी को विकास भी हुए, और पर जगह प्रतिभा है वाले तरास में को एक अवसर प्राप्त हुए, और राज्य स्तर, लोक स्तर और जिला स्तर के ऊपर वाल सम्मानित करवा को भी काम करे हो। तो सरकार की जी सोच है वह आई है कि हर व्यक्ति ने आगे आबा को मौको दियो जाए, हर व्यक्ति ने गांव से, परिवार से, समाज से जोड़ और की तरीके से समाज के लिए काम करो जाए, की तरीके से बच्चा ने आगे बढ़ाया जाए, की बात को पूरा प्रयास करोगे। मैं मेरे बारे में ज्यादा लंबी थोड़ी बात नहीं करूंगा, एक ही बात निवेदन करूं कि मेरे दिया के व्यक्ति ने आप सब लोग आशीर्वाद दे, प्रधान बनायो, 2008 में एमएलए बनायो, फिर 2013 में फिर एमएलए बनायो, 2018 में फिर एमएलए बनायो, और आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अध्यक्ष और 3 साल तक मैं शिक्षा मंत्री रही हो, तो वो थाको आशीर्वाद हो, थाके कारण से रही हो, आप सब लोग लक्ष्मणगढ़ का जता भी मन आशीर्वाद दियो, बाकी कारण से मनोज को आज राजस्थान और हिंदुस्तान में 130 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी जिकी को आजादी
देश के दिलावा में बहुत बड़ा योगदान है, भी पार्टी को प्रदेश को अध्यक्ष बनावा को अगर कोई मौको मिले हो तो लक्ष्मणगढ़ के था लोगा के माता बहना बुजुर्ग युवा साथियों के आशीर्वाद से मिले। ये बात ने मैं कदे नहीं बोल सकू, और मैं एक बात हमेशा कहना चाहूं कि मैं जिनके दिन थे मन आशीर्वाद दे 2008 में एमएलए बनायो, भी दिन के बाद में मैं एक दिन भी वापिस बॉर्डर को देखियो, थे मन आशीर्वाद दिया गया मेरे से जब तो काम हुए जिसको कराया गया, और 8 से 13 के मायने 5 साल में सरकार ही तो आप सब देखा होगा कि सब सेंटर हा, पीएचसी हा, बिजली को एक्शन ऑफिस हो, नेचवा में एन ऑफिस हो, 832 करोड़ की नहर को पानी, सड़क और जगह भी स्कूल कर्मोन्नताती जगह काम किया, के बाद में 5 साल बाद में दोबारा आप लोग मौको दियो और दोबारा मौको दियो तो सरकार को नहीं आई लेकिन लक्ष्मणगढ़ को एमएलए थे बड़ा राजस्थान की विधानसभा में भेज दियो तो थाकिज की आवाज और पूरे प्रदेश के लोगों की जिसकी समस्या आई, चाहे वह युवा से संबंधित है, बुजुर्गा से संबंधित हो, मैं मातृशक्ति से संबंधित हो, किसाना से संबंधित हो, चाहे गरीब से संबंधित हो, आदिवासी से संबंधित हो, एससी एसटी तमाम लोग जका भी मुद्दा है वह ने एक ताकत देवा को काम करो, बाकी आवाज बन राजस्थान की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही दिन सचेत करवा को काम करो, और भी के कारण से बार जिया फौजी कह रहा है कि श्रेष्ठ विधायक को दर्जो राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मिलियो, और मैं अपने आप में भाग्यशाली मानू कि मैंने आप लोग आशीर्वाद दे की लाइक बढ़ाई कि मैं बैठे जा राजस्थान की विधानसभा में 200 लोग के मायने खड़े हो और आपकी और प्रदेश के लोगों के विकास की बात करें। अब कल है जब चुनाव आयो तो एक ही बात ही सब लोगों के करीब करीब लोगों के दिमाग में ही कि गोविंद डोटासरा अब कल है अगर एमएलए बन को राज कांग्रेस को आपको दिख है तो गोविंद डोटासरा मंत्री बनेगो, आज जका भी मेरे सागा आशीर्वाद दे रहा मन मदद कर रहा वह लोगों के दिल में ही, और वह लोगों के दिल में भी जका मने विधानसभा में जाबा से रोकवा के लिए भारतीय जनता पार्टी को साथ दे रहा, लेकिन बाकी मुंडे से भी एक ही बात निकल रही अरे में डांट लियो ने मंत्री बढ़ जाए लो मंत्री बढ़ जाए आई दिन है तो आवाज सकवा की एक ही निकल रही मंत्री मंत्री, और वो मंत्री आओ दर्जो भी चौखा चौखा रहेगा, और लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र को प्रत्येक मतदाता बटे राजस्थान की विधानसभा में मंत्री भी राजस्थान की सरकार में बने हो, और 3 साल से जगह आपा जगह ऐतिहासिक काम किया वह सब आज मुख्यमंत्री की भी आपके श्री मुख से हर बात कहे, और आप सब देखा होगा कि किस तरीके से विकास का काम हुआ। अब आर प्रधान जी कह रहा के बगड़ी ग्राम पंचायत में 31 करोड़ का कामा को लाभ मिल सी, मैं यह कहना चाहूं कि कोई भी एमएलए मैं 200 विधानसभा क्षेत्र में अगर जब तू मैं हिसाब ले हर ग्राम पंचायत में आऊं और थानों पर्चो दे जाऊं, मैं को अगर 200 विधानसभा क्षेत्र में कोई भी जनप्रतिनिधि थाने मिल जाए मैं कोई की बुराई को नहीं करूं, लेकिन आ हिम्मत होनी चाहे जगह काम किया जगह छाप लिया मीडिया के सामने बतावे और आप सब लोगों ने पर्चा दे, वो अगर कोई काम कर सके तो आपको मत जगो मत है आपको आशीर्वाद है गोविंद डोटासरा जो विकास को काम करो बिल्कुल हिसाब ले था के बीच में आवे, और आगे के लिए भी रोड मैप दे जाऊं कि भाई मैं यहाँ आगे अगर फिर आशीर्वाद देगा तो मैं एक काम और कराऊंगा। अब वास्तव में एक जनप्रतिनिधि एक नेता जब वो वोट ले जनता को आशीर्वाद दे बढ़े लेकिन ये जरूरी है कि वो बतावे जब भी आवे जन के मैं वो काम कर दियो वो काम मत करो। पहली मैं तो एक ही बात करना चाहूं कि विकास जनप्रतिनिधि को पहलो धर्म है, अगर वो वोट ले तो भी ने विकास का काम करना चाहिए, और विकास का काम करावे जरा तो पर्चा बांटे और विकास का काम नहीं करावे रहे हर बार चुनाव लड़वा ना जाए वो कन्या मान्या कूर करे और तेरी मेरी कर बात करे भी के अलावा बात बता बात कोई भी कर काम नहीं करे। मनिया बता दो कि कोई सा जगह और भी नेता बीजेपी का आवेगा आया ही
बना पूछ लियो कि भाई थारो काम करेडो बताओ और गोविंद लोटासरा को काम बताओ। ये कहावत है पुरानी, माता बहना ने भी बुजुर्गा ने भी याद है कि भैया नाम को काई प्यारो काम प्यारो। नाम तो सुखदेव के डाले और श्याम का ले छांट्यो और बापू ने कहे कामड़ी दिखावे के ठीक ना बापू पीसा कौन दिया मेरे शाम को 6 बजे को 8 बजे को टेम हो जरा भी सुखदेव नाम को के करामनिया सुखदेव है दुखदेव है वो तो नाम क्यों ही प्यारो नहीं वह काम प्यारो है। अगर मैं काम करे है काम कर रहे हूं तो मैं था को आशीर्वाद चाहूं और था की मदद चाहूं था की मेहरबानी चाहूं। और राजस्थान के मायने था को नाम पूरे हिंदुस्तान के मायने लक्ष्मणगढ़ को नाम रोशन करवा के लिए मैं दिन रात एक कर रहा क्या है कोई कौन का समय नहीं। बना बताओ शिक्षा के क्षेत्र में एक बीजेपी का नेता जी है जिसका हाल ही में पहली बीजेपी बीच में सिलेंडर फिर कांग्रेस 2 साल फिर उठा बीजेपी पे कल परसों एक भाषण दियो मन बहुत ताजुब हुआ। वे आप कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री बने हो गोविंद डोटासरा जन लक्ष्मणगढ़ को नाम खराब कर दिया। मैं बात कहना चाहूं मंच के माध्यम से मीडिया के माध्यम से ओपन बात कहना चाहूं कि था में अगर हिम्मत है तो मंच के बाहर बराबर में खड़ा करो लोग बैठ जाएगा मीडिया बैठ जाएगा। अगर राजस्थान के मायने एक विधानसभा क्षेत्र में 600 कमरा और 101 स्कूल अगर 200 विधानसभा में कठे भी पनेड़ा ला जाए या 101 स्कूल कर्मोन्नत करनी ला जाए तो ठीक कुछ की सजा भुगतवा में क्या एक विधानसभा क्षेत्र में 2 कॉलेज जिले को अस्पताल सीकर ने संभाग पानी को एक्शन ऑफिस नेचर पार्क 38 करोड़ रुपया मंदिरा में पर्यटन के क्षेत्र में शेखावाटी ने संवाद के साथ साथ पर्यटन का क्षेत्र घोषित कराना 1100 किलोमीटर से ज्यादा सड़क 1700 के लगभग मेरे बढ़िया बाद में ट्यूबवेल 700 टंकी तो लक्ष्मणगढ़ को नाम खराब है ये इनके है लक्ष्मणगढ़ को नाम तो जगह दिन खराब कर दियो जगह दिन कांग्रेस में आपके स्वार्थ के लिए बीजेपी ज्वाइन करी 20-25 साल बीजेपी ने चूटी और फिर कांग्रेस में 9 साल आएगा कांग्रेस टिकट की चुनाव लड़ियो और दूसरे दिन हाथ में गायब कर दियो और कदे सिलेंडर उठ गयो कदे बीजेपी कदे कांग्रेस कदे निर्दलीय भाई लड़े कदे भोजाई लड़े शर्म को नहीं आवे हर कोई ने बदनाम करो कि थारी बात करो कि मैं वो काम करियो है मन वोट दो मैं कहूंगा मैं काम करियो है मन वोट दो फैसलो कौन करेगो फिर लोग बात करोगा थाने फैसलो करनो है जगह ने ज्यादा वोट देर चितार बेचियो वो राजस्थान के विधानसभा में जासी और जगह ने ज्यादा वोट देर छो वो लोकसभा के पाए जासी। ये आलोचना करो तो तर्क सहित करो आलोचना करो तो तर्क सहित करो बिना तर्क के जब चुनाव आवे जना चेहरे ना चुन 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 महंगी महंगी गाड़ी ले रहा जाए माने थोड़ी बहुत भी आज सोचनी को नहीं आवे आपका क्या कटे है आ चारा का भूमि है के लक्ष्मणगढ़ जज को आ जाएगा जज को नहीं आओगे आज एमपी लड़ लूंगा आज एमएलए लड़ लूंगा फिर मैं सरपंच लड़ लूंगा जिला परिषद लड़ लूंगा तो मैं ही होके सोचू है मैं ही थोड़ी हूं सोचू और भी तो लोग है और भी तो चुनाव लड़ेगा आ राजनीति कोई भी प्याय नहीं होनी आ राजनीति सेवा को वो काम है और सेवा अगर थालोगा जी करेगो जो राजनीति के मायने मेवा करेगो वो राजनीति करेगो दूसरो राजनीति मैं एक की बात करूं चाहूं बार में सरपंच जी ने मको भाई मैं आयो हूं थे तो बड़ो स्वागत करे है तो आज भी मैं क्यों घोषणा कर कहू जाऊं थारी स्कूल ने कर्मोन्नत भी कर दी विज्ञान संकाय खोल दी ग्राम सहकारी समिति खोल दी बगड़ी में कमरा कर दिया मरम्मत का काम कर दिया भवन की मरम्मत कर दी संस्कृत स्कूल में कमरो कर दी अंग्रेजी माध्यम की स्कूल खोल दी और आप बताओ जाजो राजा रोरू बादूसर बगड़ी नेशनल हाईवे की तरह ज्वाजोर से लेर
लक्ष्मणगढ़ तक नेशनल हाईवे बन रही है, नेशनल हाईवे नहीं बन रही है क्या? मैं बताओ तो मेरे कार्यकाल में लहर ना सड़क बनी को नहीं बनी, नाला अंडरग्राउंड पड़िया को नहीं पड़िया, इंटरलोक गांव के मायने लाग रहा कि नहीं लाग रहा? अब बनाई गांव है, बनाई गांव में आपने से पहले कहता काम या भाई वोट तो सही लेता, कांग्रेस भी लेती, बीजेपी भी लेती, एमएलए भी लेता, एमपी भी लेता, सरपंच भी लेता, तो पहली बनाई का माने कहता काम या आज दतूजले से चाले जबकि सड़क थारे बगड़ी आवेगी, बगड़ी से बादू सर बनाई जावेगी, बनाई से बादू सर जाओगी, बादू सर से भूमे जावेगी। मैंने एक बात बताओ, डागरा जाएगी, डागरा से फिर कटी जाएगी जी बाप है? ऊजिया कनलाऊ सालासर दीनवा जाटानू अलग परा स्टैंड से चलेगी गोदारान से, तो अंजनी बाई के मंदिर तक सड़क जाएगी 40-40, 45-45, 50-50 किलोमीटर, एक एक काम के मायने स्वीकार कर 1100 किलोमीटर सड़क। मैं फिर कहता हूं मंच के माध्यम से मीडिया के सामने, अगर लक्ष्मणगढ़ में जितनी विलेज रोड बनी है, अगर कोई भी राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई बता दे कि 32 विलेज रोड बन गई, तो मैं कान पकड़ और माफी मांगवा तैयार हूं कि मैं मंच पर आऊं। सड़क बना रहे हैं, पीएचसी, एक सीएससी लक्ष्मणगढ़ में ही आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन रहे हैं और 8 सीएससी बन गई। आज जाजोद में हॉस्पिटल, बलाराम हॉस्पिटल, नेस में हॉस्पिटल, पालनी के मायने हॉस्पिटल बने हुए आगे, लाला सिंह में भी हो, गोपी जी के भी बोले बहु लाला सिंह के कन्ने बढ़ा दो, लक्ष्मणगढ़ जाओ नेचर पार्क देखो। आज जब से लक्ष्मणगढ़ को स्थापना हुई, जब से लेन लक्ष्मणगढ़ के मायने गेट बनावा के लिए लोकप्रिय असर था, घना ही लक्ष्मणगढ़ का मामा साहब, घना ही पूंजीपति उद्योगपति, घणो ही विचार करियो बात करी, लेकिन लक्ष्मणगढ़ का गेट कोई बनाया? आज लक्ष्मणगढ़ के चारिया काली गेट है, रेखनाथ जी महाराज का आश्रम के भी गेट है, पांचों का पांचों गेट है। तो काम क्या हुए? तेरी मेरी क्रिया किन्ने मना पहली महंगी महंगी गाड़ी ले, भाई जी फोटो खींचा लियो, भाई जी फोटो खींचा लियो, भाई जी फोटो ही खींची थे कि नेता बोले पर सबको जनता की सेवा नहीं करो। मैंने कोई कल्डा बोलो, मैं क्यों कल्डो किया कौन बोलो बताओ? हमारे साथ बेईमानी बोली करी, 2 साल तक कांग्रेस को दामन था, जो कांग्रेस एमपी की टिकट थी, वो आदमी 9 साल बाद जमाए ने कि मेरे तो कांग्रेस होते थी बीजेपी मोटो जाए तो तन लुक तो कौन दी होगी, तू कांग्रेस में आ है लुक तो दी होगी, कोई धर्म हो कोई लक्ष्मणगढ़ को एक भी आदमी गए हो गए कि सुभाष जी महरिया जी थे कांग्रेस में आओ ने थारे बनाई कांग्रेस की पार कौन पड़ रही? आपके स्वार्थ में आया, आपके स्वार्थ में गया, और अगर आगे भी कोई काम करेगा तो वह लोग आपके स्वार्थ न करेगा। मैं थाने दावे के साथ मैं मानू कि आज की तारीख में कोई भी उम्मीदवार मैं वो बीजेपी से मन बेरो नहीं है, मैं तो मेरे दिल की भावना कह रहे होंगे पे लोग बात अगर आ कहे कि भाई मैं बीजेपी में हूं मन बाढ़ वोट दे और कांग्रेस में दे बड़ो कांग्रेस में दे तो मेरे समझ में आवे, अगर मैं आ कहे कि भाई कांग्रेस को एमएलए ठीक काम करे लेकिन मारे भोगे को नहीं बढ़े मैं बीजेपी से मारो भाती अजमाऊंगा तो ठीक है। अगर वह मैंने 9 साल तक बतायो लक्ष्मण बतायो खुद राम जी बढ़िया तो भाई लक्ष्मण ने तो लक्ष्मण बतावो करो बीजेपी टिकट दे दो चुनाव लड़ो मेरे कोई आंट को नहीं। लेकिन अगर मेरे लिए आप कहे कि लक्ष्मणगढ़ को नाम खराब कर दियो तो जके दिन मैं बोलवा लाग जाऊंगा ने जके दिन ढूंढेड़ा को नहीं ला देगा ढूंढेड़ा को नहीं ला देगा। मैं मेरी ईमानदारी के साथ सेवा करिए लक्ष्मणगढ़ के लोगों की, अगर मैं चुनाव लड़बो चाहूं तो न मैं जाति से लड़बो चाहूं न मैं तेरी मेरी से लड़बो चाहूंगा, अगर मैं लक्ष्मणगढ़ से चुनाव लड़ूंगा तो केवल एक बात से लड़ूंगा कि मैं ठाकुर अगर विकास करे और लक्ष्मणगढ़ के लोगों के सुख दुख में भागीदार बने हूं और लक्ष्मणगढ़ में अगर विकास की गंगा भाई है तो गोविंद डोटासरा वोट लेवा को अधिकारी है नहीं वोट लेवा को अधिकारी है। रंगीन रंगीन पर्चा थोता गोली छप्पे काम कराया छप्पे वो सीकर संभाग वाताओं को नहीं बने तेरी मेरी कर्मों को नहीं बने जोर आवे। मैं मुख्यमंत्री जी ने कहो कि मैं पार्टी को अध्यक्ष हूं मुख्यमंत्री जी
मैं खासा आग्रह करूंगा सीकर में संवाद बढ़ाओ तो आज सीकर चूरू नीम का थाना क्यों भाई और झुंझुनू चारा जिला को संभाग है बुजुर्ग बैठे हैं गुरु जी रामनाथ जी जगदीश जी थानोड़ साहब टोटल का टोटल बैठे है। मैं कहना चाहूं कि सीकर संभाग दिल को बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है। और अगर कोई चीज संभव हुई अगर लक्ष्मणगढ़ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल संभव हुए हो तो भी कोई एकमात्र कारण है लक्ष्मणगढ़ की जनता जबकि कोविड डोटासरा ने आशीर्वाद दे तीन बार एमएलए बढ़ा दियो तीन बार एमएलए बढ़ा दियो एक कारण से संभव। अगर मैंने एमएलए नहीं बढ़ाता या कोविड डोटासरा तो माता बहनों मैं तो हैंडपंप को नहीं खुदा सकता हूं एक हैंडपंप नहीं खुदा सकता था मैं मेरे पर्सनल खर्चे से खुदा सकता था क्या। कई लोग आप भी कर रहे हैं वो खाई गाँव लिया है राजगारी क्या है लगावे है तो थाने भी 35 साल बढ़ जाओ राज दियो दिल्ली ताड़ी को दे दियो थे भी तू तो करता अरे तू तो करता थे भी एक पग गाड़ी में एक पग सड़क पर हम आया बोलपुर से गांव से आयो काई काम है वो जैसी मैं दिल्ली जाऊं एरिया का किराया ने जरा पार्टी बदलवा की नौबत आवे नहीं पार्टी बदलवा की नौबत को नहीं आवे। गोविंद डोटासरा आपको कह रहा है जब तक मेरी पार्टी मुझे आशीर्वाद देगी और जब तक पार्टी टिकट देगी मैं चुनाव लड़ूंगा मैं मेरी जिंदगी में पार्टी के अलावा कभी कोई एक पंच का चुनाव भी नहीं लड़ूंगा ये मैं आपको कहना चाहूंगा। बटोड़ा नेताजी ने पूछ लियो कि थाने बीजेपी अगर एमएलए एमपी की टिकट नहीं देना कौन सी पार्टी से लड़ूंगा वो भी बताता चाहूंगा मान लो लड़नो है समझ में आवे ना सारा बात जेसी पे खून बरसाओ ने बाकी छाती के ऊपर गमीड़ा ला के छाती पर गमीड़ा राजनीति में कबड्डी में काके को कोई साथ खोली में भाई कबड्डी में तो है कबड्डी जब तो बार पटको लाइन करो मत कर पा दो अरबा लाइन करो ठाकुर आशीर्वाद रहे हो ना तो पहली 22,000 से अब कहना जी आशीर्वाद दे रहा हो जी 44,000 से लाइन क्रॉस करांगा आउट करांगा बालोगा ने थाका आशीर्वाद थाके आशीर्वाद से मेरे कोई गलतफहमी नहीं है कि गोविंद डोटासरा करामात है आ गलतफहमी गोविंद डोटासरा नहीं है। अगर कोई करामात है तो लक्ष्मणगढ़ के आदरणीय मतदाता के मायने है अगर मैं जगह दिन मन बढ़ा लियो गोविंद डोटासरा 44 बार जाना चाहिए तो गोविंद डोटासरा कांग्रेस पार्टी 44 बार जाए तो करियो कौन लड़सी आपस में कुश्तियां मांड रखी है एक दिन में एक कार्यक्रम हुए थे जरा तीन लक्ष्मणगढ़ का बॉन बुक हुए तीन महीने चौथो भी हो सके था ना और उठा कि मैं टेम आल साठ रहा है क्यों काम को नहीं करेगा भाई जी मैं मैंने एक बताओ दिवाली वाले दिन है लक्ष्मणगढ़ शहर के मायने सब लोग राम रवि करवा ना आवे आप पुरानी मोरदिया साहब के समय से परंपरा है आवे ना। मैं कोरोना के एक साल में छोड़ मैं जगह दिन प्रधान हो भी दिन से लेकर आज तक हर दीपावली ना हूं आऊ और दिवेश जी भी आवे आवे रणवा जी सुभाष मेहरिया जी कहते चुनावी साल के अलावा कहते दिवाली की राम रवि करवा ना आवे के लिए चमकना करा तो करेंगे ना करें भाई जाने मैं कोनी बोलू भाई लक्ष्मणगढ़ ने यह चारा का क्या समझ लियो भाई धर्म दम को नहीं गए दम है ने तो फिर लक्ष्मणगढ़ का कोई भी मतदाता बिन अधिकार है वो चुनाव लड़े आपकी बात करे आप ही बात करांगा जगह ने फिर सब लोग आशीर्वाद दियोगे वो राजस्थान की विधानसभा पूछ गया गोविंद डोटासरा तो कभी जिंदगी में पंच भी को नहीं बनेड़ो कभी सरपंच की मेरा बाप दादा सोची को नहीं क्योंकि मारे दादाजी है ना दादाजी मैं थोड़ा राजनीति का सोची ना पिताजी तो मार रहा मैं दादाजी के करता है जो ही पंच सरपंचा का चुनाव आता है ना खटते से नाम काट देता क्या मारे तो अपना है कुलदीप लड़े वो पंच को जो है मैं दुरिया जी लड़ेगा लड़ना लड़ेगा जना आपको तो नाम नहीं मिलते जिंदगी के मायने पंच बनिया
तो देवगण जी नाम काटे देखो क्या अपना बताओ। अब वो सूर्य चालू है नाम कोई कोई मन काटे आज भी खड़े होते तैयार रहे ना वो बढ़ गया है। तो मैं मन इतो बड़ो थे आशीर्वाद दे दियो अति बड़ी मेरे पर मेहरबानी कर दी इतो बड़ो एहसान कर दियो कि मैंने प्रधान बना दियो फिर मैंने तीन बार एमएलए बना दियो। मैं एक ही बात कहना चाहूं मेरी जिंदगी जब तक मेरे एक सांस शरीर में है बत लक्ष्मणगढ़ की सेवा करूं राजनीति जीत हार मैं सब आगे की बात है। लेकिन फिर भी एहसान ठाकुर चूके को नहीं जिंदगी भर अगर अथा की सेवा करूं तो भी ठाकुर एहसान नहीं चूके को। एक मास्टर के बेटे ने आज प्रदेश को अध्यक्ष बना दिया शिक्षा मंत्री बना दिया एमएलए तीन बार बना दियो प्रधान बना दियो पार्टी को जिला अध्यक्ष बना दियो विधानसभा में प्रतिपक्ष को सचेतक बना दियो। तो फिर मैं ऐसा न भूल सकूं क्या था मैं कोई नहीं ऐसा भूल कर सकू। इसलिए मैं तो एक ही बात करना चाहूं अब थोड़ी सी बात आगे भी लोग कैसी भाई आपकी बात की बात कर ली मारो ओरू के उसी आया उतना क्यों तो कर जाओ। इसलिए मैं माता बहना ने कहना चाहूं थे सोच लियो थारो का ही जी है खेज को काम को उनको पहले करो और बाकी का को पच्छ करो। आके मन में कहीं है मैं कई बात बोलू बाकी मायना हूं थाके मन में आ जाए बता दीजिए मैं ताकि काम कर दू। एक तो कह रहा है कि पीएचसी बनाओ बगड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर के यहां बैठे वो काम करो। एक बगड़ी से दीनमा कुमास डामर सड़क की बात है एक स्कूल के पोर्च की बात है बनाई के मायने 21 लाख रुपए देवा की बात है नायका की बस्ती के मायने चार दीवारी की बात है भगत सिंह नवयुग मंडल है जिसको भी कोई घोषणा की बात करे अंबेडकर संघ बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा के निर्माण की बात करे संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय में शौचालय की बात है प्रयोगशाला जीएसएस में प्रिंसिपल मैम ने कहा है कि यहाँ पर प्रयोगशाला होनी चाहिए छत मरम्मत की राशि की बात है और जगह युवा है वह हाई मास्क लाइट भी चावे ओपन जिम भी चावे वॉलीबॉल मैदान भी चावे ग्राउंड लेवलीकरण भी चावे धूप काटवा की बड़ी मशीन भी चावे देखो बेटी का वह बोट है बोट है माँ बाप जल में बड़ो करे ब्याह करे अभी के बाद में के बेटा ये काम कर दे ना के माँ बार को नहीं पार पड़े थाड़ी मूवी ने पूछा ही पार पड़े है को नहीं। तो बेटी बेटो भी माँ बाप की चावे लेकिन से काम पूरी को नहीं कर सके लेकिन मैदान की घास काटवा की मशीन रोलिंग गेट स्पोर्ट सामान बैडमिंटन इंडोर और भी कई थोड़ी है तो घंटा ही बोलू तो भी थोड़ी लागे नायकान बस्ती चौक में इंटरलॉक कर सरकारी स्कूल बगड़ी से माताजी के मंदिर तक इंटरलॉक कर जीएसएस बगड़ी से लड़कियों के शौचालय निर्माण दोला का फर्नीचर नाला निर्माण और दिया दिया तो एक काम कर लियो ऐसे बच्चा देता से नहीं कर लियो तो मेरा नाम बदल दीजिए एक टप्पो और दे एक टक्को दिसंबर में और दे दीजिए चौथी बार है मेरे बढ़ते हो ईमानदारी की बात है एक ही काम बाकी नहीं छोड़ी। अब एक ट्यूबवेल बनाई में एक ट्यूबवेल नायकान बस्ती में एक ट्यूबवेल खेल ग्राउंड में एक ट्यूबवेल जाटा की डाणी में एक टंकी मेघवाड़ी बस्ती में अंग्रेजी माध्यम स्कूल बेटी का बापुर ट्यूबवेल टंकी भी सुरेश बाकी रही के थके ट्यूबवेल टंकी कुआं पर लिया घूमू तार मर्जी आवे जटे मिला लियो। तो भाई एक बात और कहना चाहू थकी घोषणा करो क्यों पहली मैं एक विजन पेश करवो चाहू आगे जो लक्ष्मणगढ़ के मायने है मैं आज चाहू कि बड़ो काम करा जहां से लोगों ने रोजगार मिले नौकरी मिले और लोगों ने बिजनेस मिले और लोगों ने आमदन मिले। आज मेरे मन में आएगी जिस भी ऐसे कोविड उठा सर पर तो भूल पहली बारी बच गया
मैं इन मंच के माध्यम से घोषणा करना चाहूं कि आपने नौजवान साथी जका धंधो करवो चाहे माने धंधो मिले के लिए लक्ष्मणगढ़ के मायने आज तक कोई विजन को नहीं हो। सड़का बननी, पीएससी बननी, सीएससी बननी, नौकरी भी निकल रही और भी छोटा मोटा काम हो रहा, सब काम हो रहा, लेकिन बड़ो काम को नहीं हो। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी से बात कर ली और जल्दी की स्वीकृति जारी कराऊंगा। अठी लक्ष्मणगढ़ के भाई ने बासणी के भीड़ में आज ये है ना ठे बंजारार बच रहे बठे 300 करोड़ रुपया को फूड पार्क बनावांगा। 300 करोड़ रुपया दियो दिखे है ना। अरे मैं 3 बार एमपी केंद्र में मंत्री दिया मान के जो 30 रुपए को काम कर लो बता दो 30 रुपए 300 करोड़ रुपया को फूड पार्क। और फूड पार्क को मतलब भी समझा दूं भी मैं छोटा छोटा दुकान प्लाट गोदाम कटेगा खाने सस्ती रेट पर मिलेगा और भी कमाने के मसाला चक्की लगाओ पानी को लगाओ और कोई छोटो उद्योग लगाओ चूड़ी बना मारो मशीन लगाओ मणियारी को सामान रखो दूसरो ए फूल पत्ती जगी है ना थकाड़ी ए फूल पत्तिया के लिए बिजनेस करो। सस्तो प्लाट मिलेगो सस्ती दुकान मिलेगी सस्तो गोदाम मिलेगो और थाने बहुत सस्तो लोन मिलेगो व्यापार करवा के लिए। और हजारों की संख्या में नौजवान ने रोजगार मिलेगो। इसके लिए मैं जल्दी से जल्दी आचार संहिता पहली 300 करोड़ रुपए को फूड पार्क लक्ष्मणगढ़ में स्वीकृत करावांगा। लक्ष्मणगढ़ में स्वीकृत सैल्यूट है नौजवानों की इस जज्बे को। जब तक विकास को आप लोग आगे रखोगे तब तक जनप्रतिनिधि नेता विकास कराएंगे। जिस दिन जाति धर्म संप्रदाय तेरी मेरी झूठ पाखंड भी के ऊपर जगह दिन वोट पड़वा लाग जाएगा ना जगह दिन कोई नेता काम नहीं करेगो। मैं लक्ष्मणगढ़ में अगर मैं कोई चुनाव लड़वो चाहूं कांग्रेस पार्टी से तो केवल और केवल विकास के नाम पर वोट ले पूछाऊ केवल मैं ही लिए वोट में को नहीं लेना चाहूंगा। मैं जाट भी लिए मन जाट वोट दे दो। मैं 15 साल की राजनीति में मैंने कभी नहीं कहा। मैं चाहता हूं हर वर्ग के लोग आशीर्वाद दें हर वर्ग के लोग ये महसूस करें कि हमारा नेता जो है जिसको हमने वोट देकर के राजस्थान की विधानसभा में पहुंचाया वो हमारे सुख दुख में काम आता है और हमारे लिए विकास के काम करता है। आज लक्ष्मणगढ़ का नाम पूरे राजस्थान पे नंबर 1 है। लक्ष्मणगढ़ का नाम नंबर 1 है। आपने सुना होगा लक्ष्मणगढ़ में सीकर में हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरा संभाग खोलने का कोई इरादा नहीं था लेकिन गोविंद डोटासरा ने 1 महीने से मेरा जीना हराम कर रखा है कि लक्ष्मणगढ़ में सीकर में संभाग होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री ऐसे ही नहीं बोलता। मुख्यमंत्री को सबको राजी रखना होता है। केवल गोविंद डोटासरा से मुख्यमंत्री का काम नहीं चलता लेकिन उन्होंने सही आत्मा की आवाज कही क्योंकि मैं जब भी मिलता था तो मैं कहता था मुख्यमंत्री जी सीकर को संभाग देना पड़ेगा। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है ये मौका दोबारा नहीं आएगा। मैंने कहा था मैं लक्ष्मणगढ़ में नहीं है लेकिन नवलगढ़ रोड का पुलिया दुगुना होना चाहिए। मैंने कहा था कि मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लक्ष्मणगढ़ में होना चाहिए। और मैं आज घोषणा कर रहा हूं इस मंच के माध्यम से इस पगड़ी की पवित्र भूमि के ऊपर कि जो लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर मेडिकल कॉलेज है उसका लक्ष्मणगढ़ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसका भाग होगा। जो ऐसे में जयपुर में सेवाएं मिल रही हैं वो लक्ष्मणगढ़ में मिलेगी। ठीक है ना। ड्रेस भी दी है थाने राजमहल दी है कि दी है तो इसलिए अब मैं जगह था कि बात है काम के मायने हूं थोड़ी बहुत घोषणा कर दी हूं थोड़ी बहुत आगे की बात कर दी हूं। तो भाई देखो मेरी बात सुनो। पीएससी सड़क कर मैं खूब करा ली। अब 1 महीने आचार संहिता को मैं थरक वार्ड में सरस्वती मां के मंदिर में झूठ बोलकर पहुंच जा सकू
मैं चेष्टा करूंगा और दो काम कोई सो उबागी हो जाए तो ठीक है, नहीं आगे चुनाव के बाद में छह महीना के मायने ताकि फिर से भी खुलेगी और सड़क भी होगी। अब मैं थाने दाऊ कर दूसरी बात युवा के लिए, खेल के लिए, इंटरलोक के लिए जगह जगह काम में बोलिया है। बाकी मायना हूं नायकान बस्ती चौक यूपीएससी इंटरलोक सरकारी जीएसएस बगड़ी से माताजी का मंदिर जीएसएस बगड़ी से लड़कियों का शौचालय 2 लाख का फर्नीचर नाला निर्माण एससी बस्ती ऐसा काम 15 दिन में चालू हो जाएगा। सरपंच जी 15 दिन में काम चालू हो जाएगा। गांव बनाई में विकास कार्य के लिए 20 लाख रुपया मैं 21 लाख रुपया काल पशु दिया लेकिन अब तो आए वो यहाँ मेरो स्वागत है यहाँ लोग बाग बैठा है खड़ा है 3 घंटा से। इसलिए मैं घोषणा करना चाहूं कि 20 लाख रुपया बनाई के मायने लागेगा और स्वीकृत करने का जो थारी मर्जी है उसके साथ। एक नायकान बस्ती में 4 दीवारी एक यूपीए शौचालय को निर्माण प्रयोगशाला का पीसा छत मरम्मत का एक एस्टिमेट बना भेज दीजो 15 दिन के मायने अभी जल्दी से जल्दी सारा काम स्वीकृत करवा पड़ता। और जत्ता ट्यूबवेल टंकी जत्ता लिख सको लिख दो थाको कागज बैरी भाई जी पैन कारखाना है 2 लिखोगा 2 करा दूंगा 7 लिखोगा 7 करा दूंगा 9 लिखोगा तो 9 करा दूंगा। लेकिन मात्र 1-2 दिन में दे दो 15 दिन के मायने स्वीकृति में लागे एक मनु टेंडर प्रक्रिया में लागे काल में कहूंगा भाई जी तू घोषणा कर दो काम चालू बोली हो तो बात नहीं होनी चाहिए। अब जगह पोर चाड़ा एक और रहेगा मैं चेहरेगा टाबरा के जिम लाइट अब भाई से देख लीजियो क्यों मैं अब करूंगा क्यों आप करूंगा। चलो भाई लाइट की घोषणा बस्ती माता की टावरा की लाइट लगा दू ये ऊंचली ये बताओ हाथ खड़ी कर दो माता बहना की लगा दू बोल भाई कतारी बहनी पटोड़ी कतारी बहनी 5 लाख ले लो 6 ले लो 7 ले लो 8 ले लो हरी भरिया तो ले लो देवाड़ो श्रीनाथ जी देवाड़ो श्रीनाथ जी थे आशीर्वाद देवाड़ा और मेरे कलम में ताकत घाया जाओ और जत्ता रुपया चाहो जत्ता विकास कर लिया जाओ। एक बात सही है बाबा साहब भीमराजकर अम्बेडकर की मूर्ति की बात मैं मन से कहना चाहूं जत्ता भी नौजवान युवक अम्बेडकर मामले कठे भी बड़े लो है मैं जल्दी से जल्दी एस्टिमेट ला दी और बाबा साहब की मूर्ति के लिए जका पीसा मेरे कोटे से लेना चाहे के लिए मैं 24 घंटा उपलब्ध हूं मर्जी आवेदन ले ली। बगड़ी में कतारी का क्यों भाई मूर्तिकार का ही रुपया कहीं लागे देखो नीचे तो बढ़िया सी चबूतरों बने फिर बाबा साहब की मूर्ति लागे ऊपर बाबा साहब के पर सात दावड़ोदी लागे छतरी लागे इनके लिए 5 लाख रुपया बगड़ी में बाबा साहब की मूर्ति बन गया। गांव का सब है जो नेतो पर जो ठीक है तो आज छोटा छोटा टाबरा ने लिया बाप बातें को किया सुन ली है मैं थाने सैल्यूट करूं थे जो प्यार मेरे ऊपर लुटा रहा हो जो ते आशीर्वाद मन दे रहा हो मैं मेरे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इसलिए मैं कहना चाहूं आप सब लोग आया बधाया तो सरपंच थोड़ा होशियार ज्यादा है गड़ी को न्यू तो दे दी और पहली पहली एमएलए फोटो लिखा ले और आज वो कई घोषणा करा ली सरपंच जी कोई कमी पत्ती रह जाए तो थाना कोटा पूरी कर दे दी एमपी कोटा दिवा दूंगा लेकिन आके मायने जगह जमान कर दी बात कर दी ना बाप पूरी होनी चाहिए बाप पूरी होनी चाहिए। आई कहते हुए मैं तो
सरकारी अधिकारियों ने विद्यालय के स्टाफ ने सारा धन्यवाद देना सगड़ाया वाले की धन्यवाद देना तो मैं बोल बाल तो भाई जी चार घंटा 100 बोलू नॉन स्टॉप लेकिन फिर यह है कि बोलना ही बोलना करनी बड़ा रत्ता जी पे आओ क्यों इसलिए डटू बड़ा नहीं तो है तो अच्छा मैं सुने तो दे रहा हूँ और बोल तो और बोलने पर रिपिया लागे भाई जी बोल बागे रिपिया लागे है इसलिए रिपिया जता हुए जता ही हुआ एक डेढ़ महीने बाद में आचार संहिता लाग जाएगी तीन महीना बाद के मायने दोबारा चुनाव आवेगा विधानसभा क्षेत्र से थे कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार बने बिना आगे मदद कर दियो मेहरबानी कर दियो क्योंकि मैं आज घोषणा नहीं कर सकूं कौन एमएलए बना हो पार्टी आला कमान घोषणा करे कि कौन हमारा उम्मीदवार बनो पार्टी आला कमान मैंने उम्मीदवार बनावे तो मैं हूं और मैंने नहीं बना कोई और ने बनावे तो कांग्रेस पार्टी ने जिता जो कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो था कोई विकास हुए लो अब जी मैं लोक स्तरीय प्रतियोगिता के झंडे के लिए लोक स्तरीय प्रतियोगिता का उद्घाटन का झंडा और उद्घाटन की घोषणा मैं सम्मान्य डोकला सर जी और मुख्यमंत्री से आग्रह करूं लोक स्तरीय प्रतियोगिता का झंडा